हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्रिसमस में मैंने बनाया था अमरूद केक, लाजवाब और टेस्टी रेसिपी, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस आसान सी रेसिपी को बनाने का आसान सा तरीका। तो मैंने यहाँ पे दो पके हुए अमरूद लिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनके छिलके निकालेंगे। इनके छिलकों को निकालने के बाद हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और फिर हम इसे मिक्सी में डाल के स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इनके स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद हम इसे छानेंगे और इनके बीजों को अलग कर लेंगे। अमरूद खाना हम सब पसंद करते हैं, लेकिन जब इनके बीज दांत में फंस जाते हैं तब सच में परेशान कर देते हैं, तो इसीलिए हम इनके बीजों को अलग करेंगे और स्मूथ पेस्ट का उपयोग करेंगे। अब हम इस अमरूद के पेस्ट को बाउल में से एक पैन में डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने शुगर लिया है, जितना अमरूद का पेस्ट था उतना ही क्वांटिटी में हमें शुगर लेना है। इसे भी हम पैन में डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नींबू का रस, 4 से 5 लौंग। अब हम इसे गैस में रखेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। गैस को मीडियम आंच पे रखिए। जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए और पैन से छूटने लगे तब तक हम इसे मिक्स करते रहना चाहिए। दोस्तों, अमरूद खाने में स्वाद भरा तो है ही और इसमें विटामिन्स और आयरन का गुण हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। अब इसमें डालिए 2 चम्मच बटर। दस मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे फूड कलर। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड किया है, आप अपना मनचाहा कलर इसमें ऐड कर सकते हो। और दोस्तों, अभी इसमें से लौंग हमने जो डाला था उसे हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो ये थिक होने को आया है। अभी हम इस तरह के मोल्ड में बटर लगा के पहले से ही तैयार करके रखेंगे। आपके घर में या फिर दुकानों में आपको इस तरह के मोल्ड आसानी से मिल जाएगा। तो आपके पास इस तरह के मोल्ड्स नहीं है तो आप एक प्लेट में बटर लगा के कोई भी आप इस जेली को बना सकते हो। आपको गरम ही इस मोल्ड में इस पेस्ट को डालना है। अच्छे से डालने के बाद, सेट करने के बाद हम इसे 6 से 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर में ही इसे ठंडा होने को रखेंगे और फिर इसे हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो कितने अच्छे से निकल रहे हैं और कितना प्यारा इनका शेप आया है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बनाकर अपने घर वालों को खिलाइए। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों, आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हो।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक बार आप सबको क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।